दोस्तों 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में पैदा हुई कैटरीना कैफ, भले ही आज करोड़पति हों लेकिन बावजूद इसके वो अब भी किराए के मकान में रहती है। ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है, लेकिन दोस्तों खबरों के मुताबिक ये सच है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैटरीना के पास 6 मिलियन डॉलर यानी करीब करीब 45 करोड़ रुपये भारतीय करेंसी है। जहाँ पे करोड़पति होने के बाद भी किस प्रकार से ये किराए के घर में रहती है, ये सभी बात जानकर हैरान हो जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2003 में इंडस्ट्रीज में एक्टिव कैटरीना के पास आज भी इंडिया में खुद का घर नहीं है। वो अभी भी मुंबई में किराए घर में रहती हैं। वो अभी भी मुंबई में किराए से घर पे अपना आवाजाही करती हैं। हालांकि कैटरीना करण जौहर के शो में खुलासा करते हुए बताया था कि उन्होंने अब तक घर क्यों नहीं खरीदा है। शुरुआती दिनों में कैटरीना बांद्रा के गुलदेव सागर में रहती थी। 2014 में वो बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ कार्टर रोड स्थित सिल्वर सैंड अपार्टमेंट रेंटल में शिफ्ट हो गई थी। साल 2016 की शुरुआत में दोनों अलग हो गए। ऐसे में कैटरीना कैफ काफ़ी दिनों तक उसी घर में रही, जिसके लिए उन्होंने करीब 15 लाख रुपए हर महीने किराया भी चुकाया। हालांकि बाद में खबर आई कि वो बांद्रा के माउंट मेरी चर्च के पास स्थित अपार्टमेंट में अकेले शिफ्ट हो गई हैं। कैटरीना फिलहाल मुंबई के अंधेरी वेस्ट के मौर्या हाउस में अपनी बहन ईसाबेल के साथ रहती हैं। उनके घर के अंदर की खूबसूरत सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कैटरीना अपने घर की कुछ फोटोज इंस्टा पर शेयर करती हैं। घर की दीवारों की सजावट और फर्नीचर पॉप आर्ट से ज़्यादा प्रेरित है। कैटरीना ने यहाँ एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट को किराए पर लिया है। उनके लिविंग रूम में घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। किसी पार्टी या फंक्शन में जाने के लिए वो अक्सर इन सीढ़ियों के पास फ़ोटो खिंचवाती हैं। लॉकडाउन के दौरान कैटरीना ने अपने घर के फ़ोटो और वीडियो शेयर किए थे, जिनमें वो घर में साफ़ सफाई करती नजर आई थी। बता दें, कैटरीना ने एक बार खुलासा करते हुए बताया था कि वो छोटे घर में रहती हैं, जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स के पास बड़े और आलिशान बंगले हैं। करण जौहर के चैट शो पर जब वरुण धवन और खुद करण ने उनसे सवाल पूछ रहे थे कि क्रिसमस पार्टी में उन्हें क्यों नहीं बुलाया, तो कैटरीना ने इसका मज़ेदार जवाब भी दिया था। कैटरीना कैफ ने कहा था कि मुझे आप लोगों को इनवाइट करने बेहद खुशी होती, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा घर बहुत छोटा है, इसलिए मैं हाउस पार्टी नहीं कर पाई। इस कारण वह करण जौहर ने कहा भी कि उनका घर वाकई बहुत छोटा है। इसके बाद उन्होंने कैटरीना से पूछा कि वह अपने लिए बड़ा घर क्यों नहीं ले लेती। तो करण जौहर ने कैटरीना से अक्सर ऐसी प्रॉपर्टीज़ की तलाश में रहती हैं, ऐसा बताती हैं। अगर वो अब तक घर नहीं ले पाए तो हो सकता है कि वो फिल्मों के बाद ब्रोकर बनने की तैयारी में हो। करण ने कहा, आगे कहते हैं कि मैंने जितनी भी प्रॉपर्टी देखी है, वहाँ पूछो तो कहा जाता है कि कैटरीना जी आई थी, लेकिन जब पूछो कि उन्होंने प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीदी, तो यही जवाब मिलता है कि नहीं खरीदी। वहीं कैटरीना ने करण जौहर के सवाल पर कहा था कि मुझे लगता है कि दोस्त, रिलेशनशिप और घर, ये चीज़ें इंसान अपने स्वभाव के आधार पर चुनता है। जब आपका इन चीज़ों से सामना होता है तो आपको फ़ौरन ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी सही है या नहीं। बता दें कि कैटरीना लंबे टाइम से इंडस्ट्रीज में एक्टिव है। वो फिल्मों के साथ साथ मॉडलिंग, ब्रांड एम्बेसडर, लोरियल, स्लाइस, लक्स, नक्षत्र और ऐसी कई सारी एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती हैं, जिनके लिए मॉडलिंग का काम करती हैं और वहाँ से मोटी कमाई लेती हैं। इसके अलावा कैटरीना एक फिल्म के जरिए 9 से 10 करोड़ रुपये आराम से चार्ज कर लेती हैं। कारों की शौकीन कैटरीना के पास लग्जरी गाड़ियाँ, इनमें ऑडी Q3, ऑडी Q7 और SUV शामिल है। ये थी कैटरीना कैफ की एक अनसुनी कहानी, जो शायद इससे पहले अभी तक आपने सुनी हो। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आई होगी। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।